Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we will start our new chapter of computer book by BrainRoot series. Hamari book ka naam hai Cyber Creators Class 2. Aur hamare chapter ka naam hai Working of Computer. To chaliye apna chapter start karte hain. In this chapter, you will learn IPO cycle, working of a computer. इस चैप्टर के अंदर हम IPO cycle और working of a computer के बारे में पढ़ेंगे. Before we begin, शुरू करने से पहले write down the step of making a Maggie. आप सबको Maggie अच्छी लगती है खाने में, तो आपको क्या करना है, आपको उसके स्टेप लिखने हैं. मतलब मैगी कैसे बनाई जाती है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैगी को एक पैन में डालते हैं, उसे गैस स्टोव पे रखते हैं, फिर उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं एक्सेट्रा. तो आपको मैगी बनाने के स्टेप लिखने हैं. चिल्ड्रन, यू नो डेट अ कंप्यूटर इज अ मशीन डेट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू मेक इट work. There are certain steps that a computer follows to perform a task. Before we learn about the working of a computer, let's learn about some terms related to it. आप सबको पता है कंप्यूटर एक मशीन है जो कैसे काम करती है. जब हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब हम उसे निर्देश देते हैं, जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेगा. तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. IPO साइकिल. IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट. IPO साइकिल इसकी क्या फुल फॉर्म है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. द IPO साइकिल इज अ सिस्टम डेट कंसिस्ट ऑफ input, output and the steps required to change the input into output. Let us first look some example to understand it. IPO cycle में क्या होता है. IPO cycle एक ऐसा system है जिससे input को output में बदला जाता है step by step. The IPO cycle of washing the dirty clothes. हमें अपने गंदे कपड़े धोने हैं तो हम उसको कैसे धोएंगे, उसके लिए भी हम क्या फॉलो करेंगे, IPO साइकिल. तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ. इनपुट डर्टी क्लॉथ्स, हमारा इनपुट क्या है, गंदे कपड़े. आफ्टर देन प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होगा, वॉशिंग क्लॉथ्स मतलब गंदे कपड़े धुलेंगे. आफ्टर देन वी गॉट आउटपुट, आउटपुट हमें क्या मिला, क्लीन क्लोथ्स मतलब सबसे पहले गंदे कपड़े थे, उन्हें हमने धोया, उसके बाद हमें क्या मिला, साफ कपड़े. तो ये कौन सा साइकिल फॉलो हुआ, IPO साइकिल. चलिए एक और एग्जांपल देते हैं. द IPO साइकिल ऑफ ड्राइंग द पिक्चर, एक पिक्चर को ड्रॉ करने का IPO साइकिल क्या होगा. इनपुट, इनपुट में क्या आएगा हमारे पास, पेपर एंड पेंसिल. ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर पेन पेंसिल चाहिए. नेक्स्ट प्रोसेस मेकिंग द ड्राइंग, प्रोसेस क्या हुआ कि जो हमें पिक्चर या ड्राइंग ड्रॉ करनी है. आफ्टर देन वी गेट द आउटपुट, आउटपुट क्या है, कंप्लीट ड्राइंग. हमारी जब ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो वो क्या मिला हमें, उसका आउटपुट. तो एक ड्राइंग बनाने के लिए हमने IPO साइकिल को फॉलो किया. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी. गिव एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट डिस्क्राइब द IPO साइकिल. अब आपको अपने डेली लाइफ के कामों में से किसी एक काम का क्या देना है, IPO साइकिल, कि आप उसको कैसे करते हैं, उसका इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और फिर आउटपुट क्या है. दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. इन द सेम वे अ कंप्यूटर ऑल्सो वर्क
इन दीज थ्री बेसिक स्टेप्स. कंप्यूटर भी तीन बेसिक स्टेप पे वर्क करता है. कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट. इट इज नोन एज आईपीओ साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट इनपुट. अब मैं आपको बताऊंगी इनपुट क्या है. वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स और एनी अदर टेक्स्ट एंड फिगर इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. दीज आर कॉल्ड डाटा. हमें कंप्यूटर पे काम करना है, हम उसके लिए क्या एंटर करते हैं, उसमें नंबर्स, वर्ड्स, लेटर्स, फिगर एक्सेट्रा. किस लिए करते हैं? ताकि हम कंप्यूटर पर काम कर सके. तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाटा. डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर इनटू द कंप्यूटर टुगेदर कॉल इनपुट. जब कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एंटर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनपुट. इनपुट टू द कंप्यूटर इज यूजुअली गिवन बाय क्लिकिंग द माउस और टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड. इनपुट कैसे दिया जाता है? या तो माउस को क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से डाटा को एंटर करके. द इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर. सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर फॉलो. इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस से देते हैं. कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो किन के बारे में पढ़ा था हमने? कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन. तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस. इनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. प्रोसेस का मतलब क्या है? जब हम रॉ डाटा मतलब किसी कच्चे डाटे को क्या करते हैं, मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करते हैं या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग. जैसे कच्ची सब्जी है तो वो इनपुट है, फिर वो क्या हुई, पकती है. तो जो उसके पकने की क्रिया होती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. कच्चा आलू जब बॉईल हो जाएगा तो वो क्या हुआ, उसकी प्रोसेसिंग चली ना. आपने उसे गैस पे रखा, उसे प्रेशर कुकर में डाला, प्रेशर कुकर पे विसल आई, तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है. द सी पी यू वर्क ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन टू गिव रिजल्ट. द सी पी यू इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस. सी पी यू कैसे वर्क करता है? सी पी यू जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, उस पर वर्क करता है. तो सी पी यू को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं. नाउ आउटपुट. आउटपुट क्या है? द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. आउटपुट क्या है? जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया, या फिर हम कह सकते हैं जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, वो है हमारा आउटपुट. When the CPU finish processing the data, the output is display on the monitor. जब CPU processing ख़त्म कर देता है और जो final result हमारे पास आता है वो हमें कहाँ show होता है? वो हमें show होता है monitor पे. Output from the computer may be in the form of images on the monitor or प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर. आउटपुट हमें या तो मॉनिटर पे देखने को मिलेगा किसी वर्ड के फॉर्म में, या फिगर, या फिर किसी पिक्चर के फॉर्म में. अदरवाइज हमें आउटपुट किस पे मिलेगा? पेपर पर, जो हम प्रिंट आउट से प्रिंट निकालते हैं. द आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइसेस हमें परमिशन देते हैं किस लिए? इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए. Some of the output devices are as follow. तो चलिए अब हम कुछ output devices के बारे में पढ़ते हैं. Monitor, printer, speakers. These all are output devices.
Let us understand the working of computer with the help of an example. अब हम एक example के through समझते हैं computer कैसे work करता है. Suppose you want the computer to add number 7 and 8. Suppose करो आप computer पे एक addition करना चाहते हैं 7 और 8 number का. The three steps are follow. उसके लिए तीन step follow होंगे. Input क्या है हमारा 7, 8 को क्या करना? Add करना. Processing क्या हुआ हमारे पास? 7 plus 8 processing है. 7 और 8 को add करके हमारे पास आया number 15. That is our output. तो क्या step follow हुआ? Input, process, output. Here 7 and 8 are data and addition is the instruction. 7 और 8 क्या है हमारा? डाटा है और हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उसको क्या करना है? ऐड करना है. द सीपीयू विल प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. हमारे दी हुई इंस्ट्रक्शन पे सीपीयू वर्क करेगा. एंड 7 एंड 8, तो उसने क्या किया? 7 और 8 को ऐड किया. नाउ 15 इज द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट ऑफ 7 एंड 8. तो हमारे पास जो 15 आया वो फाइनल रिजल्ट या फिर हम कहेंगे हमारे पास आउटपुट आया. किसका? 7 प्लस 8 का आउटपुट 15. नाउ टाइम टू रिवाइंड. तो चलिए जल्दी से एक बार रिवाइंड करते हैं. IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. द IPO साइकिल इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड द स्टेप required to change the input into output. IPO की full form होती है input, process and output. ये क्या करते हैं? Required material को process करती है input से output. The data and instructions enter into computer together is called input. Data और instruction जब एक साथ computer में entered होती है उसे हम कहते हैं input. The input devices are used to send informations to the computer. The process of changing the entered data into meaningful information is called processing. The CPU works on data according to the instruction to the given result. CPU वर्क करता है डाटा के अकॉर्डिंग जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको दी है. द सीपीयू इज आल्सो नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस. सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं. द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. द आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. नाउ आई विल टेल यू कंप्यूटर मैनर. Always keep the mouse on the mouse pad. हमेशा माउस को माउस पैड पर रखना चाहिए. So student, in this chapter we have learned about IPO cycle. तो चलिए अब हम कुछ exercises करते हैं और देखते हैं आपने कितना सीखा. Exercise 1, take the correct option. हमारी पहली exercise है take the correct option. A computer works in dash basic steps. Computer कितने basic step में work करता है? 2, 3, 4, 5. Computer work करता है 3 basic step पे. Input, process and output. A dash is a input device. Monitor, speaker, printer और mouse. इसमें से input device है हमारा printer. The next. A dash is an output device. अब चार devices के नाम हैं, बताइए इनमें से output device कौन सा है? Yes, you are right. Mouse is an output device. The dash works on the data according to the instruction to give the result. कौन हमारे data और instruction पर work करता है ताकि हमें क्या मिले? Result. माउस, मॉनिटर, सीपीयू और माइक्रोफोन. द करेक्ट ऑप्शन इज सीपीयू. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स.
The CPU is also known as dash device. हम CPU को और कौन सा device कहते हैं? हम CPU को processing device भी कहते हैं. PROSSING, processing device. The next one, dash and dash enter the computer together are called input. वो दो क्या चीज़ें हैं जब हम कंप्यूटर में एक साथ उसको एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? इनपुट. दैट इज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के स्पेलिंग है INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन. द नेक्स्ट वन, द स्पीकर्स आर डैश डिवाइसेस. स्पीकर कौन सी डिवाइसेस हैं? स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. द डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस. हम प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं? वी कॉल CPU एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. नाउ एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो सही हैं उसके लिए टी लिखें और जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट. नो, इट्स कॉल्ड आउटपुट. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं कर सकता. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शन की नीड होती है. नंबर थ्री, द CPU वर्क्स ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन टू द गिवन रिजल्ट. CPU कैसे वर्क करता है? डाटा के अकॉर्डिंग और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हम उसे देते हैं. This statement is also true. The next one, the process of changing the entered data into meaningful information is called processing. Processing का मतलब क्या है? किसी data को जो हमने computer में enter करा उसको क्या करना? Processing करना meaningful information में, कि उससे हमें सही result मिले या फिर हमें कोई meaningful information मिले. This statement is also true. Now, exercise D, answer the following questions. तो बच्चों, आप एक बार अपना chapter अच्छे से read करेंगे. I hope आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और जो कुछ questions दिए हुए हैं, इनको आप खुद करेंगे. मैं आपको एक बार question समझा देती हूँ. What is IPO cycle? Give one example. आपको लिखना है IPO साइकिल क्या है और उसका एक एग्जाम्पल देना है. विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. कंप्यूटर का कौन सा पार्ट प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है? वो होता है CPU. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म इनपुट. इनपुट टर्म को आपको डिफाइन करना है. इनपुट किसे कहते हैं? नेक्स्ट, नेम एनी टू इनपुट डिवाइसेस. इतने सारे डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, तो आपको दो इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने IPO साइकिल के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.